जनूबी पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त, क्रैकडाउन जारी। 136 बिजली चोर पकड़े गए, 130 घरेलू, 4 कमर्शियल और 2 ट्यूबवेल सार्ट पिन शामिल। 11 रोज में 12,539 नादहिंदगान से 12,91,00,000 रुपए की रिकवरी। सरकारी इदारे ही मैपको के नादहिंदा निकले। बहावलपुर के मुख्तलिफ सरकारी महकमे 10,46,00,000 रुपए के नादहिंदा निकले। महकमा सेहत, जराए, लाइफ स्टॉक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत दीगर महकमे करोड़ों रुपए मैपको को अदा ना कर सके। पेट्रोलियम निर्यात बढ़ने के मनफी असरात का सिलसिला जारी। ट्रांसपोर्टर्स के बाद रेलवे इंतजामिया ने भी किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों का किराया 5% बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। मालगाड़ियों का किराया भी बढ़ा दिया गया। रेलवे की तरफ से 2 माह में तीसरी मरतबा किराया बढ़ा दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। मुल्तान का किराया 150, डीजी खान का 350 रुपए तक वसूल किया जाने लगा। गगू मंडी के ट्रांसपोर्टर्स की भी मनमानियां जारी, किराए में इजाफा कर दिया। महंगाई ने आम आदमी को चकरा कर रख दिया। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2,800 का हो गया। दर्जा अव्वल का घी 576 रुपए लीटर फरोख्त, सरफ की कीमत 905 रुपए किलो को छू गई। मुल्तान में सस्ते आटे का वसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 1400 रुपए से भी तजावुज कर गई। बाजार में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुख्तलिफ कंपनीज का घी 600 रुपए फी किलो हो गया। महंगाई का रैला, मुल्तान में चाय होटल्स मालकान भी जद में आ गए। कभी गैस लोड शेडिंग तो कभी एलपीजी और लकड़ी के दाम, हर चीज में लगा। होटल्स मालकान कहते हैं गैस आती नहीं, एलपीजी महंगे दामों खरीदनी पड़ती है। मियांवाली इंतजामिया चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी इलाकों में चीनी 185, देहात में 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों का इल्जाम, दुकानदारों के मुताबिक हर दूसरे डीलर ने चीनी जखीरा की हुई है। बच्चों के लिए छत बनाना शर्मिंदा ताबीर ना होने वाला ख्वाब बन गया। भावनगर में तामीराती सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मटेरियल महंगा होने से तामीराती काम को ब्रेक लग गई। मजदूर तबका परेशान, 2 वक्त की रोटी का वसूल मुश्किल हो गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट मुल्तान के नए मंसूबे ताखीर का शिकार। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत नए मंसूबों पर काम शुरू ना हो सका। तहसील सतह पर नए दफातर बनाने का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर होम भी ना बनाया जा सका। पैरामेडिकल एसोसिएशन मुतालबात के हक में सड़कों पर, रहीमला खान समेत जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में एहतजाज। डेली वेजेस मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। सर्विस स्ट्रक्चर पर कानून के मुताबिक अमल दरामद करने का मुतालबा। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोधा में हड़ताल का चटा रोज, आउटडोर मुसलसल बंद। मुश्किलात से 2-4 मरीज, सराफा एहतजाज। पर्ची काउंटर्स पर मर्द और खवातीन की कितारें, इंतजामिया खामोश तमाशाई। अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील। पंजाब भर के 48,000 सरकारी स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना। सितंबर टेस्ट मुलतवी, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पहली से 8वीं जमात तक के 1,20,00,000 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत करनी थी। तरमीमशुदा डेटशीट दोबारा जारी की जाएगी। मुल्तान में तजावजात माफिया बेलगाम, हर जगह पर विराजमान। शाहराहें चलने वालों के लिए तंग कर दी गई। ट्रैफिक रवानी मुतासिर, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रशीदाबाद में तजावजात मिसमार कर दी।
हासिलपुर में तरक्याती मंसूबे, शहरियों के लिए वबाले जान। सीवरेज लाइन डालने के लिए उखाड़ा गया रोड, मुरम्मत ना हो सका। मट्टी उड़ने से सांस और आंखों की बीमारियां आम, ट्रैफिक रवानी मुतासिर, हादसात भी मामूल। मुल्तान में मुकदमात के फैसलों की मुसद्दिका नकुल की फ्राहमी ताखीर का शिकार। तीन रोज में मिलने वाली नकल एक माह तक फ्राहम नहीं की जाती। वकला और सालियन ने मुसद्दिका नकुल की बर वक्त फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्तान इंतजामिया का पार्किंग माफिया के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन। सेक्रेटरी आरटीए की सरबराही में दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर एक्शन। गैर कानूनी स्टैंड से चलने वाली 46 बसें वैगने मुख्तलिफ थानों में बंद। गुजश्ता माह की नस्बत वासा की रिकवरी में इजाफा, 116 मिलियन रिकवरी हुई। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब राना इकलाफ की जेर सदारत इजलास। वासा मुल्तान की महाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वासा को गवर्नमेंट ग्रांट की बजाय खुद मुख्तार बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के जिला सदारत इजलास। महकमा जरात के अफसरों को फील्ड में रहने की हिदायत। पेट्रोल पंप्स पर मॉडल वॉशरूम्स की तामीर पर काम तेज करने का हुक्म। प्राइस मजिस्ट्रेट चीनी की मुकर्रर कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कमिश्नर मुल्तान की जेर सदारत इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों बारे जायजा इजलास। भट्टो को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने बारे तबादला ख्याल। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिया गया। महकमा जरात भी मुतहरिक। उधर स्मोक की रोकथाम के लिए कमिश्नर डीजी खान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में असातिज़ा की कमी का मामला। सुबह भर के स्कूल्स में खाली 343 आसामियों पर भर्ती का ऐलान। 420 मजीद सीटों पर भी भर्ती का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के जिला सदारत तालीमी अमूर पर बेहतरी बारे जायजा इजलास। जिला के सरकारी स्कूलों में मॉडल क्लासरूम्स बनाने का फैसला। 20 अडॉप्टेड स्कूलों में आउटलुक बेहतर करने, सहूलियात फ्राहमी को यकीनी बनाने का इत्तफाक। किर्गिजिस्तान से ताजर वफद की रहीम खान चैंबर ऑफ कॉमर्स आमद। सदर इकबाल हफीज, नायब सदर मियां साद हसन ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती तालुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। हफ्ते में दो मरतबा फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने पर गौर। दो साल बाद पीएचए बहावलपुर की भी सुनी गई। उमर फारूक ने चेयरमैन तैनात, नोटिफिकेशन जारी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास, बजट अलाउंस और अहम तैनातियों की मंजूरी भी सिर इल्तवा थी। फालत से मुतासर और जिस्मानी मजदूरों के लिए खुशखबरी। पंजाब में पहली बार मफलूज अफराद की बहाली के लिए मराकज का कयाम। मुल्तान समेत 5 शहरों में खसूसी मराकज कायम किए जाएंगे। मकसद जुबान, हाथ, बाजू, टांग को नाकारा होने से बचाना है। और जश्न ईद उल मिलाद उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरजंदाने इस्लाम के लिए खुशी का दिन। विलादत व सादत की खुशियां मनाने के लिए जनूबी पंजाब भर में तैयारियां। मुल्तान, दुनियापुर समेत दीगर शहरों में स्टॉल सज गए। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से रैलियों का सिलसिला भी जारी।